हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दीक्षा माता ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी थोड़ा सा हम लोग घूमने आए हुए थे इधर, लेकिन यहाँ पे मिल गया है हम लोग को बब्बर शेर। तो अभी चलेंगे, देखेंगे वो दहाड़ता है या नहीं। काफ़ी लोग यहाँ पे हैं देखने के लिए कि दहाड़ेगा कि नहीं दहाड़ेगा ऐसा। तो चल के देखेंगे दहाड़ता है कि नहीं हम लोग के टाइम में। ये जरूरी थोड़ी ना है कि हम लोग के टाइम में ही दहाड़ेगा, इसको जब मन तभी दहाड़ेगा। तो देखते हैं चल के कि दहाड़ता है या नहीं और कितना बड़ा है, कैसा है, सब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलिए, शेर देखिए, सिंह लिखा हुआ है और शेर का तस्वीर भी है और कितने सारे लोग हैं देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग भी सामने जाकर देखते हैं। यहाँ तो बच्चे लोग तो डर ही नहीं रहे, मुझे डर लग रहा है देख के, लेकिन ये लोग है कि नेट के ऊपर चढ़ जा रहे हैं, देख सकते हैं। कुछ कुछ जानकारी है शेर के रिलेटिव, यहाँ आके पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। और वहाँ पर बैठा हुआ है शेर, देखिए दूर में बैठा हुआ है अभी तो, और कब दहाड़ता है देखते हैं, क्योंकि काफ़ी लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए इतने सारे लोग हैं और इसका दहाड़ने का ही वेट कर रहे हैं, दहाड़ेगा ये नहीं वो, तो देखते हैं, कुछ देर वेट करते हैं। दहाड़ता है तो ठीक है, नहीं तो फिर क्या कर सकते हैं। ऐसे में तो इसके दांत सब दिख रहा है, काफ़ी बड़ा बड़ा है भाई। मुंह खोला हुआ था और अभी बंद कर दिया, देखिए थोड़ा थोड़ा मुँह खोल रहा है फिर बंद कर रहा है, अभी खड़ा नहीं हो रहा है, इतना देर पूरा दहाड़ रहा था। देखिए कितना बड़ा मुँह खोल कर फिर बंद कर दिया, हाँ ही लग रहा है इसको, लगता है सोएगा। अभी देखा है इधर साइड, इतना देर इधर देखा नहीं था, इधर से गुस्सा गया था लग रहा है, अभी इधर नजर किया है, किसी बच्चा को देख पाया है जैसा लग रहा है। चलो यहाँ से डराते, यहाँ पे था ये बच्चा जो कि नौटंकी कर रहा था, इसीलिए इधर देख रहा था, और अभी ये चढ़ गया है बंदर जैसा इधर। आ ही भगवान, इतना बड़ा मुंह खोलता है। अभी उठ गया है, उठ रहा है शेर, वाह कितना बड़ा है। अभी खाली हो गया है इसीलिए ये घूम रहा है, इतना देर तो यहाँ पे पूरा भीड़ था। काफी बड़ा है ये शेर, एक दो बार आवाज भी निकाल दो। दीवार के किनारे किनारे बस घूम रहा है, आवाज नहीं कर रहा है नहीं। ए, थोड़ा थोड़ा आवाज कर रहा है, बाप रे क्या दहाड़ता है। ओ बाप, हो गया, थक गया बेचारा, बैठ गया, अभी फिर से खड़ा हो गया है। देखिए कितना बड़ा दिख रहा है, फिर से आवाज करेगा लगता है, खड़ा हो गया है तो। शेरनी है ये शायद, घूम रहा है अभी तो, दहाड़ नहीं रहा है ना। घर घुसने जा रहा है क्या ये? नहीं, फिर से वापस आ रहा है, मुझे लग रहा था अंदर चला जाएगा, आ गया वापस नेट के किनारे, दहाड़ेगा लगता है। लायन है, फिर से दहाड़ेगा लगता है। जा रहे
फिर से बैठ गया, थक गया। एक बार उठता है, फिर चिल्लाता है, फिर बैठ जाता है। देख लिए हम लोग के सामने तो दो दो बार दहाड़ा, बहुत एकदम डरावना लग रहा था। ऐसा दहाड़ रहा था ना कि पूरा सब तरफ गुंजा दे रहा था, और बहुत सारे लोग जो कि दूर गए हुए थे उन लोग भी दौड़ दौड़ के आ रहे थे आखिर से दहाड़ने लग गया है बोल के। और यहाँ पे जो कि अभी भी जा रहे लोग, क्योंकि ये ना एक बार उठ रहा है उसके बाद एक बार दहाड़ के फिर से बैठ जा रहा है, तो सभी को वेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि और एक बार दहाड़ेगा तो अच्छा होगा, क्योंकि बाकी लोग भी नहीं देखे हुए थे। अभी फिर से लोग आ रहे हैं ना, लोग आते जा रहे हैं और देख रहे हैं शेर को, तो दहाड़ते हुए देखने का मज़ा ही कुछ और है। मैं तो फर्स्ट बार देखी यहाँ पे, और इससे पहले मैं कभी दहाड़ते हुए नहीं देखी थी शेर को, तो देख के बहुत भयंकर लगा था, बहुत भयंकर दहाड़ रहा था। और इसका आवाज़ इतना बुलंद है कि क्या बताएं, बहुत भयंकर दहाड़ रहा था। ऐसे ही नहीं, ये जंगल का मतलब राजा बन गया शेर, तो बहुत अच्छा लगा देख करके। अब यहाँ से निकलते हैं, शेर का दहाड़ तो सुन ली। अभी मेरे पीछे जो दिख रहा है वो शेर का इलाका है, जो कि वहाँ से लेकर वहाँ तक है, वहाँ लास्ट है। और इधर भी रहता है शेर, उधर भी रहता है। तो जब क्या बोलते हैं, ये जंगल में रहता है तो इसका तो पूरा जंगल ही इसका इलाका रहता है, बट ये चिड़ियाघर है इसीलिए इसका तो घर यहाँ से लेकर बस वहीं तक दिया हुआ है, अधिक बड़ा इसका घर नहीं है। फिर भी बेचारा रह लेता है, नहीं तो जब जंगल में रहता है यहाँ तो कैदी बन के लगभग है, और जब जंगल में खुलेआम रहता है तब ये पूरा जंगल में अपना राज करने लग जाता है। हम लोग वापस जा रहे हैं, तो रास्ता यहाँ बहुत सुंदर दिख रहा है, देख सकते हैं कितना लंबा लंबा सा पेड़ है, मेरे पीछे भी है, मेरे आगे भी है, और काफ़ी लंबा लंबा है ये पेड़ सब। और हम लोग रास्ता में चल रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा धूप का मौसम चल रहा है ना, लेकिन यहाँ पे कहीं भी धूप नहीं मिल रहा है, इतना लंबा लंबा जब पेड़ सब है, पेड़ पौधा सब है, तो कहाँ से धूप मिलेगा। रास्ता पूरा का पूरा एकदम अच्छा लग रहा है, एक भी थोड़ा सा धूप नहीं लग रहा है यहाँ पे। अब मिल गया हम लोग को देखने के लिए बाघ, और ये रहा बाघ, देखिए कैसा घूम रहा है। हाँ टाइगर, टाइगर भाग एक ही है, किसी को देख रहा है शायद, भागने का कोशिश कर रहा है, ऊपर तरफ देख रहा है जो, ये भी दहाड़ नहीं रहा है ना, बस घूम रहा है। अधिक दूर भी नहीं जा रहा, बस कुछ जगह से घूम रहा है वापस। नहीं उधर किसको देख रहा है भाई, वहां कौन है, उधर तो कोई है नहीं, लेकिन बार बार उसका नजर उधर है। देख कैसा देख रहा है, लेकिन दहाड़ नहीं रहा है एक भी बार। इसका दहाड़ सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे हैं, शेर का तो दहाड़ सुन लिए ना, नहीं दहाड़ेगा लगता है। अरे बाप रे, ये तो इसको देख रहा था, वहां जो टाइगर था वो इसको देख रहा था, ये मादा टाइगर है। देखिए चलिए मैं आप लोगों को पास से दिखाती हूँ, यहाँ पे दोनों टाइगर का नाम लिखा हुआ है। देखिए फर्स्ट नंबर में है अनुष्का लिखा हुआ है, जो कि इसका नाम है, और नीचे में मलिक लिखा हुआ है सेकंड में, जो कि उस टाइगर का नाम है वहाँ पे जो था, और वो घूर घूर के बस इसी को देखे जा रहा था यहाँ पे। ये टाइगर जो कि अनुष्का, ये और वो उधर सेम सेम चल रहे हैं, वो जैसा घूम रहा है वैसे ये भी घूम रही है। ये वहाँ दूर में वो दिख रहा है, वो भी घूमने लगा है अभी इधर देख देख के, और ये भी घूम रही है। देखिए बड़ा सा दिख रहा है, वो तो नेट के अंदर में था इसीलिए अच्छा नहीं दिख रहा था, और ये अभी बाहर में घूम रहा है। देखिए कैसा दिख रहा है, बड़ा सा है। भगवान, जंगल में जब घूमता है तो इसके सामने कोई आता भी नहीं होगा ना। और उधर वो घूम रही है टाइगर, क्या कर रहा है, खा रहा है क्या छाल सबको पेड़ का। वो जा रहा है अभी वहां पे, दोनों बाघ अभी घूम रहे, ये वाला बाघ भी वहां चला गया है, और वो भी उधर घूम रही है, लेकिन बीच में नेट दिया हुआ है, मुश्किल है। काफी देर वेट किए, सोच रहे थे कि ये दहाड़ेगा, लेकिन अभी तक ये दहाड़ा नहीं है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है बस। शेर का दहाड़ तो सुन लिए, सोचे थे एक बार बाघ का भी दहाड़ सुन लेंगे, लेकिन ये दहाड़ा ही नहीं। तो निकलते हैं अब यहाँ से,
तो फ्रेंड्स आज का ब्लॉग का एंड यहीं पे करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, और अगर चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।